अच्छा, शाह ईरान का किस्सा है। रजा शाह पहलवी, हाँ प्रसिद्ध शाह का बाप, अच्छा, उसका बाप था। उसको भी रजा शाह पहलवी कहते थे। तो साहब उसको कहीं बटालियन वो फौज का इंस्पेक्शन करने गया, शायद मशहद में या कहीं, तो उस वक्त वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी। अच्छा तो वहाँ के जो अफसर अफसर थे, उन्होंने कहा साहब हमारे पास पैसा बहुत कम है, विंटर में हमें बड़ी तकलीफ होती है। मैंने अच्छा, तो उसने झुका और बर्फ़ का एक गोला बनाया उसने, अच्छा और गोला बना के जो सीनियर मोस्ट अफसर था उसके हाथ में दे दिया कि पास इट डाउन द लाइन। इतने अच्छा फौजी खड़े हैं, जब सिपाही भाई ये सबके हाथ में से पास होता हुआ चला रहा है, तो वो बॉल आगे जा रहा था, ये पीछे पीछे जा रहे थे। जब इंस्पेक्शन कर दिया तो जब आखिरी आदमी के पास पहुंचा तो उसने जनरल से पूछा, मेरे तो बॉल बर्फ का गोला कहाँ गया। उसने कहा था, अब बादशाह से क्या कहता वो, उन्होंने कहा वो तो बर्फ़ का था, कहते मैं जो पैसा तुम्हें देता हूँ वो तो भी बर्फ़ का गोला है। काफ़ी डांट दिया बहुत सारा, बहुत से किस्से अब मुझे याद थी उसके, ईरान जब मैं गया था तब छोड़ा था मैंने। तो ये, लेकिन उसका बाप था ये। हाँ ये प्रेजेंट जो अभी डिथोन किया ना, उसको भी सेकंड वर्ल्ड वॉर में जलावतन कर दिया था। अच्छा, उसने था थोड़ी सी जगह अंग्रेजों के से खिलाफ कर दिया था, जर्मनी के खिलाफ फेवर में, और अंग्रेजों से खिलाफ हो गया था। वो शायद इन्होंने रास्ता मांगा था, क्या मांगा था, उसने रिफ्यूज कर दिया था, तो इन्होंने इसको अमेरिका भेज दिया था। यहाँ जेल वतन था रियो डी जनेरो, ब्राज़ील में एक था। मरने के बाद उसकी बॉडी वहाँ गई। तो बहुत मशहूर किस्से उसके बड़े बड़े याद, बड़े अलग किस्से मुझे याद है। तो ये जो था, जो बेटा था, इसके बारे में ये भी कहते हैं ना कि अपने आप को, वो क्या था, वो पुराना एक लीडर था, जरतुष्ट जरतुष्त। नहीं, जरतुष्ट नहीं, जेरेक्सीस, हाँ, वो कहते थे कि मैं उसकी पता नहीं उसी क्या फैमिली हूँ। से। वो तो मैंने मूवी इनके डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जब इन्होंने 2005 इन द ईयर ऑफ मोनार्की पाकिस्तान इन ईरान दिखाई थी, उसमें उन्होंने दिखाया था कि ये जेरेक्सीस के खानदान से, विच वॉज रॉन्ग। तो वो कहता था ना अपने आप को कि हाँ, मैं वो तो कहता था। आई और थिंक उसको इस्लाम वगैरह को छोड़ गया हुआ था नहीं, कि इस्लाम को नहीं। छोड़ा तो नहीं था, लेकिन आई थिंक इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ ही वॉज लिटिल इंक्लाइन टूवर्ड द एंशियंट मजहब ऑफ ईरान, आतिश परस्ती। पारसी, ज़ोरास्ट्रियन। तो वो कहते हैं कि मतलब उस जमाने में उसने तो बहुत से लोगों का जरतुष्टी जो है, आतिश परस्त जो है, उनको बड़े मराद दी थी उसने, क्या क्या था। अच्छा, वही वही एंशियंट पुराने तो लोग वही के वही है ना भाई, उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, जी हाँ, जी हाँ, उनका भी तो हक है ना। डेफिनेटली। तो कायदे आज़म जो थे, ये भी पारसी थे। नहीं नहीं साहब, ये तो मुसलमान थे, सुन शिया शिया से ताल्लुक अच्छा, शिया थे, तो इनकी बीवी पारसी थी। मुस्लिम पारसी थे, और बड़े अमीर आदमी की बेटी थी इनकी। हाँ, ओ माय गॉड, बढ़ती बिने सरपटी डिनशो नाम था इनके सरों का, अच्छा, सरपटी डिनशो। तो मैं पूना में एक ज़माने में मैं एयरफोर्स की ट्रेनिंग में था, तो वहाँ पर इसका मकान देखा था मैंने, जो जो उसने अपनी बेटी को दिया था जिन्ना साहब की डावरी में। सुहाद साहब, मैंने इतना बड़ा घर और इतना खूबसूरत घर, इतना उसमें फ्रेंच आर्किटेक्चर और इंग्लिश आर्किटेक्चर था कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता, देखते रह जा रहा था सामान। और उसके साथ इतना बड़ा कंपाउंड था कि कोई हद साफ, और उसके बोर्ड गेट पे मुझे आज तक याद है, उस पर बोर्ड पे लिखा हुआ था सरपटी डिनशो। कहते हैं कायदे आजम का था वो, ही नेवर टुक इट।
और वो उनकी बीवी जो थी वो जल्दी फौत हो गई थी। बड़ी खूबसूरत औरत थी, उनके हाथों पे आशिक हो गई थी। अच्छा जी, ना तो उसने किसने लिखा है कि ये रेस कोर्स में बैठे हुए थे, वो भी कहीं बात बैठी हुई थी, तो जिस अंदाज से ये किताब का वर्क उठा रहे थे सलीके से, मेरा थूक रहा है, तो वो उसको बहुत पसंद आया था। अच्छा अच्छा वो बेटी तो मैंने देखा, वो पाकिस्तान आई थी जब कह जायदाद पर इंतकाल हुआ था, वो स्पेशल एयरक्राफ्ट से आई थी, एयर इंडिया के जहाज से आई थी, और अलीगढ़ तो औरत थी, काले चश्मे लगाए हुए थे उसने, मस्जिद कंट्रोल टावर की ड्यूटी में था। अच्छा, और काली साड़ी में थी। और वो मुसलमान नहीं है राइट? दानिया डेनी, क्या उसका नाम है इस तरह? पता नहीं वो मुसलमान हुई थी या नहीं, मुसलमान तो हुई या नहीं हुई, आई डोंट नो, इंडिया में रह गई। पता नहीं कि किसी डॉक्यूमेंट्री में थी वो, पाकिस्तान के बारे में बात कर रही थी, अमेरिकन सा नाम था डैनी या इस तरह कुछ। राजादम ने उसको डिसोन नहीं किया कभी जी, ये जो उसकी बेटे थे इंदिरा गांधी के साथ उससे जाते हैं कौन से दिन, इंदिरा गांधी का तो राजीव गांधी था, उसके जो दो बेटे थे वो भी कुछ, वो तो इंदिरा गांधी के बेटे थे, इंदिरा गांधी का भी तो मियाँ पारसी था ना। अच्छा, वो भी पारसी था, नाम उसका गांधी था। अच्छा अच्छा, पारसी था। मकान आजादों का मोहनाबाद रेत में देखते चले, मकान क्या खूबसूरत मकान था, बड़ा ठाट से रहने वाला आदमी था सर। इंडियन लीडर्स में जो झुका नहीं और जिसने अपने तौर तरीके नहीं छोड़े, जैसा था वो, जैसे पॉलिटिक्स में आया वैसे ही रहा आखिर वक्त, ये तो सब लीडरों ने अपने अपनी पोशाक बना दी, वो कर दिया वो कर दिया, लेकिन उसने कभी ऐसा कोई छोटा काम नहीं किया।